अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं दर्जा व दोम की मेरी किताब हिस्सा सोम। उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स में आपका खैर मकदम है। ये चैप्टर हम लोग पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, पहला इनाम। आज हम लोग सवाल जवाब हल करेंगे, उससे कबल अल्फाजमानी को मुकम्मल कर लें। हैरत अंगेज़, ताजुब से भरा हुआ, हैरत से पूर्व। हैरत अंगेज़ का मतलब हुआ ताजुब से भरा हुआ, हैरत से पूर्व। सलाहियत, काबिलियत, दरअसल हकीकत में सही मानों में। इनाम, एवार्ड, वाकया, कोई मामला होना, कोई बात हुई। मालूम, इल्म होना। लिहाजा, चुनांचा, तब। मुतालिक, ताल्लुक से। हौसला अफजा, हिम्मत को बढ़ाना। छात्र और छात्री, तुलबा व तालबात। मंजर, नज़ारा। मधुर आवाज़, प्यारी या मीठी आवाज़। टहलना, चहलकदमी करना। फिज़ा, माहौल, अजीब, नए अंदाज में, नए अंदाज से। पेशानी, माथा। सुर, गाने की धुन। सफ़ा, वरक, पेज। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। ध्यान, तवज्जो। आँख मचोली, चोरी चुपके खेलना। आँख मचोली एक खेल है, वैसे आँख मचोली का मतलब होता है चोरी चुपके, ठीक है। खुश नसीबी, अच्छी किस्मत। हसीन, खूबसूरत। मुखड़ा, गाने का बोल। गूंजना, माहौल में प्यारी आवाज़ का गूंजना। आवाज़ का किसी चीज़ से टकरा करके वापस आना, ये गूंजना होता है, ठीक है। आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई दे, माइक बहुत तेज़ होता है तो आवाज़ गूंजने लगती है, एक ही आवाज़ बार 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 निकलती है उससे, यह है गूंजना। जलवा, तमाशा। प्रार्थना, इबादत। ये प्रार्थना में यहाँ भी रे छुटा हुआ है। शबाब, जवान, जवानी भी, इस शबाब का मतलब जवानी, बहरहाल यहाँ जवान लिखा हुआ है। वक्फा, लम्हा, थोड़ी देर के लिए। वक्फा मतलब ठहराव, थोड़ी देर के लिए ठहराव, रुकना, ठीक है। जलवा, तमाशा। जलवा ऊपर भी था कहीं पे, हाँ यहाँ। यकीनन, ज़रूर। लम्हा, वक्फा। लम्हा मतलब हुआ सिकंड। फ़न व अदब, इल्म व अदब और फनकारी। कुछ लम्हे इंतज़ार करो, मतलब कुछ देर इंतज़ार करो, कुछ वक्त इंतज़ार करो। अंजाम, पूरा करना, नतीजा। इजहार, बयान करना। कदम, पांव। रकम, रुपए। बावकार, इज्जत व एहतराम वाला। बादशाह का मतलब राजा। जज्बात, जज्बा की जमा, जज्बा की जमा जज्बात। वलवला, दिल का जोश। कदर, इज्जत। तो ये अल्फाजमानी हमने आप तक ये किया। अब आगे सवाल जवाब, जिसे जाकिर सर ने तरतीब दिया है, हम जल्दी सवाल जवाब करवाते हैं इंशाल्लाह। तो आइए सवाल जवाब के जानिब। पहला सवाल है, मकान की छत के चारों तरफ किस चीज़ का पेड़ था।
जवाब, मकान के चारों तरफ लंबे लंबे नारियल के पेड़ थे। अच्छा, मकान की छत के चारों तरफ नारियल के पेड़ थे। किस नदी के किनारे ये वाक्या पेश आया? जवाब, ये वाक्या गंगा नदी के किनारे पेश आया। चेंसूरा में वही हुगली नदी, गंगा नदी यहाँ पे बह रही है हुगली नदी के नाम से, उसी नदी के किनारे ये वाक्या पेश आया। जहाँ ये वाक्या हुआ उस इलाके का नाम क्या था? जहाँ ये वाक्या हुआ उस इलाके का नाम चिंचुड़ा है। जी, चिंचुड़ा भी बोलते हैं, चिंसूरा भी बोलते हैं, ठीक है नदी, मगर आपके बुक में चिंचुड़ा लिखा गया है तो हमने भी वही जवाब में लिखा है। नदी में क्या चीज़ देखकर गाने को जी चाहा? जवाब, नदी में कश्तियों को देखकर गाने को जी चाहा। ये रवि से सवाल किया गया था, रवि ने जवाब में कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम कश्तियों पर बैठ जाएं और गाते रहें, गाते हुए गुजरते रहें। रवि को किस इलाका में डर मालूम होता था? रवि को जोड़ा सांकू में डर मालूम होता था, ठीक है। किसने पियानो लाकर नए नए सुर बनाने की बात की थी? जवाब, ज्योति दादा ने नए नए सुर बनाने की बात की थी। आधी रात को किसकी आंख खुली और उसने क्या किया? जवाब, आधी रात को रवि की आंख खुली, रविंद्रनाथ टैगोर की, और वो अपने घर के छत पर चला गया। रवि चला गया घर के छत पर, टैगोर अपने घर पर की छत पर चले गया। रवि से किसने कहा कि वो एक मुखड़ा सुनाए? एक मिनट जी, रवि से किसने कहा कि वो एक मुखड़ा सुनाए? रवि से उसके बड़े भाई ज्योति दादा ने एक मुखड़ा सुनाने को कहा। जैसा बोल वैसा सुर, ये किसने कहा था? जवाब, जैसा बोल वैसा सुर, ये जुमला ज्योति दादा ने कहा था। ये ज्योति का ये रह गया है, ज्योति दादा ने कहा था, ठीक है। मालिक प्रार्थना के लिए क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं? प्रार्थना के लिए मालिक अगरबत्ती, दिया और थाली में फूल पसंद करते थे। रवि का गाना सुनकर किसने कहा था, छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गाना? रवि का गाना सुनकर श्रीकंठ बाबू ने कहा था, छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गाना, ठीक है। किसकी आंखों में खुशी के आंसू नजर आए? जवाब, रवि के वालिद की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए, महर्षि देवेंद्रनाथ। कौन गाने के धुन पर अपना सर हिला रहे थे? श्रीकंठ बाबू गाने के धुन पर अपना सर हिला रहे थे। महर्षि कौन थे और उन्होंने रवि को कितनी रकम का चेक दिया? महर्षि रवि के वालिद थे और उन्होंने रवि को 500 रुपये का चेक दिया था। रवि ने इनाम कबूल करके महर्षि के साथ क्या क्या? रवि ने इनाम लेकर महर्षि अपने बाबा के कदमों पर, रवि इनाम लेकर महर्षि के कदमों पर झुक गए और उनसे दुआएं भी ली। तो आज हम ने चैप्टर मुकम्मल कर लिया, सवाल जवाब कर लिया, ये बाकी था। अब हम लोग क्लास वन की तरह बहुत तेज़ी से क्लास टू को भी कवर करेंगे, एक एक दिन में 4-5 सफ़ा, 6 सफ़ा, 10 सफ़ा कवर करेंगे, ताकि जल्द अज जल्द सिलेबस की तकमील हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द आप लोग हमारे वीडियोस को मुकम्मल देखें, मुकम्मल देखें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट देख के छोड़ देता है, तो पूरा पूरी वीडियो देखें और कहीं पे खामी कमी रह जाए तो उसकी निशानदेही करें। हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, तो हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आपका ताउन हमारे लिए सर आँखों पर। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।